निरसा विधानसभा अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड 12 और 13 को जोड़ने वाली एकमात्र झीलिया पुल इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी अधिकारी पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। घटिया सामग्री के इस्तेमाल से 90 लाख की राशि से निर्माणाधीन पुल में अभी से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह पुल कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। झारखंड में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि कई ऐसे पुल के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो पहली बरसात की मार भी नहीं झेल पाई और पानी के बहाव में पुल बह गई। इसका एकमात्र उदाहरण निरसा का बरबेंदिया पुल भी है, जो तकरीबन 10 साल पहले निर्माण के दौरान ही पानी के बहाव को झेल नहीं पाया और उसके पिलर ढह गए और आज तक वो पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर विभाग के द्वारा प्रकालित राशि और योजना का शिलापट्टी भी नहीं लगाया गया है। संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है। ये था आशा कि पुल एक डैमेज हो रहा है तो एक अच्छा पुल बनेगा, लेकिन उस पर ये खरा तो उतर नहीं रहा है। क्या खामी है? आप खामी खुद देख सकते हैं। आपको मैंने दिखाया वहाँ पे ढलाई होने पे जो है आपका अंदर से गायब हो गया है मटेरियल। तो अगर ढलाई हो रहा है, पुल का हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाढ़ को इसको झेलना है, उस मुताबिक आपको जो है इसका निर्माण करना होगा। आप इसमें जो है पतला पतला रड का इस्तेमाल किए हुए हैं। आपका यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ मोटा रड 3-4 गया हुआ है, उसका सब पतला गया हुआ है। आपको जो भी देना है आपको बेहतर क्वालिटी का देना होगा और अच्छी तरह से बनाना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपका दरार पड़ा हुआ है। क्यों भाई, अभी आपका ये बन ही रहा और इसमें दरार आ गया, तो क्या भविष्य का हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि ये पुल टिका रहेगा बाढ़ में भी, जबकि अभी बाढ़ भी नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई है। अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा? किसी भी सरकारी निर्माण कार्य को सरकार एवं अधिकारी बार बार निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश देते हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण ठेकेदार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर विकास विभाग द्वारा 90 लाख की लागत से झिलिया पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। आप तो देखे होंगे कि कुछ दिन पूर्व ही हम इसके बारे में हमने विरोध किया था, क्योंकि पहले भी जो है इसका हाइट 3 फीट हाइट बढ़ा दिया गया था और 3 फीट हाइट बढ़ा देने के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही थी यहाँ की जनताओं को, लेकिन जनता के द्वारा जो है आक्रोश व्यक्त करने के बाद जो है 3 फीट हाइट कम कर दिया गया। अनियता तो घोर अनियता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो कल परसों ढाला है एक पुल हल्का सा जो है नीचे का छज्जा ढाला है उसको जो है क्रैक कर गया, तो आखिर कैसे समझ सकते हैं इसको कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। छोटी छोटी सी गलतियाँ जो है ये कल को बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। इस बाबत जब चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण की शिकायत मुझे मिली है, मैंने चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित जानकारी देकर जांच कराने की मांग की है। इसके लिए उसकी जांच होगी। अनियमितता का आरोप लग रहा है तो वो बात वार्ड में बोर्ड में नहीं रखा गया, लेकिन अभी आप बता रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन आया ना, उसमें हम लोग दे दिए, स्वतः लिख दिए हम लोग, हम मेरे नाम से भी वो लेटर आया था, हमने कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिए कि इसके जांच के उपरांत इसको भुगतान किया जाए और कोई भी अनियमितता अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। इस घटिया निर्माण कार्य के लिए जिम्मेवार कौन है और कार्यस्थल पर प्रकालित राशि का शिलापट्टी क्यों नहीं लगाया गया है, जब यह सवाल चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी MN मंसूरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है, जल्द ही जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। कोई लिखित शिकायत हमको अभी तक प्राप्त नहीं है। अगर कोई लिखित शिकायत प्राप्त होगी, ऐसे भी आप लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है, जांच की जाएगी, जांच में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शिलापट नहीं है सर उस पर क्या लगा है अभी तक, जबकि शिलापट लगना ज़रूरी है। हाँ, शिलापट लगने का तो निर्देश प्राप्त है, हम लोगों ने कॉन्ट्रेक्टर को कहा भी है शिलापट लगाने, परंतु क्यों नहीं लगा है इसके बारे में भी जांच करके बताई जाएगी, शिलापट लग जाएगा। जेई के अनुपस्थिति में काम किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही उचित है सर? नहीं, ऐसी हमको कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है कि जेई के अनुपस्थिति में काम किया जा रहा है। जेई का जो काम है वो अपना कर रहे हैं, करा रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक सरकारी अधिकारी अपने काम के प्रति जिम्मेदार होंगे। सरकारी कार्यों में ठेकेदारों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन विभागीय अधिकारी कब तक जांच कर कार्रवाई की बात करते रहेंगे? सरकारी अधिकारी निर्माण कार्य के दौरान ही क्यों नहीं घटिया निर्माण को रोकने का काम करते हैं ताकि जांच करने की नौबत ही ना आए। ओंकार अवामी के लिए निरसा से समाम उसाल की रिपोर्ट।